हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही कॉमन और पॉपुलर सब्जी, जिसे मैं एकदम आसान तरीके से आपके साथ शेयर करूँगी और ये बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं फ्रेंड्स इस रेसिपी को। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ली है गाजर। गाजर मैंने यहाँ पे 3 ली है। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जितनी आपको कम या ज़्यादा सब्जी बनानी है उसके हिसाब से आप इसे ले सकते हैं। गाजर को हमने यहाँ पे पील ऑफ कर लिया है। इसके बाद हम पानी से इसे धो लेंगे। अब हम इन्हें पीसेस में कट कर लेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको शेप पसंद है आप उसको वैसे शेप में से कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सीजनल गाजर का यूज किया है जो बिल्कुल रेड कलर की होती है। आप चाहे तो यहाँ पे ऑरेंज कलर की जो गाजर आती है उनका भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से सीजनल गाजर का जब आप यूज करते हैं उनका अलग ही टेस्ट होता है और हल्का सा इसके अंदर जो मिठास होती है वो भी इसका अलग से ही टेस्ट लेकर आती है सब्जी के अंदर। जब हम इसे आलू के साथ पकाते हैं तो बहुत ही चटपटा और स्पाइसी सा फ्लेवर आता है, जिससे कि सब्जी बहुत ही बढ़िया बनकर हमारी तैयार होती है। तो फ्रेंड्स, सारे गाजरों को छील करके काट करके हमने तैयार कर लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग जैसे पीसेस आपको पसंद है वैसे पीस में आप इसे कट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने लिया है फ्रोजन मटर 1 कप। इसको यूज करने से पहले एक बार पानी में से भिगो कर रख लेंगे और उसके बाद इसे हम यूज करेंगे। 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। यहाँ पे आलू मैंने अभी जो नए आलू आए हुए हैं मार्केट में उस वाले आलू का यूज किया है। इसको छीलने में कम टाइम लगता है तो इनको भी मैंने काट कर धो लिया है। और गाजरों को तो हमने पहले से ही काट करके तैयार कर लिया था। तो सबसे पहले पैन में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच ऑयल। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा। जीरा जब हल्का सा चटकने लगे तब हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए आलू के पीसीस को और आलू को भी 1 से 2 मिनट तक हल्का सा फ्राई कर लेंगे, क्योंकि आलू को पकने में टाइम ज़्यादा लगता है कुछ। तो इस तरीके से अगर हम आलू को फ्राई कर लेते हैं तो सब्ज़ी पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और इसके अंदर टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आलू को हमेशा फ्राई करके लें ड्राई सब्जी के अंदर। 1 से 2 मिनट के अंदर हल्के से फ्राई होने लगे हैं तब हम इसी स्टेज पर इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज, जिसको मैंने इस तरीके से रफली सा चॉप करके ले लिया है। अब हम प्याज को भी आलू के साथ भून लेंगे 1 मिनट के लिए, इसका कच्चापन निकल जाए। बस इतनी ही देर तक इसे हम फ्राई करेंगे आलू के साथ। तो साथ ही साथ इसमें हम ऐड करेंगे 2 हरी मिर्ची ली है मैंने लंबे स्लाइसिस में कट करके, इसे भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ में लेंगे 1 चम्मच लहसुन और अदरक के पेस्ट को, इससे इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर और टेस्ट आता है। तो फ्रेश अदरक और लहसुन के पेस्ट को आप कूट कर लें जब भी सब्जी के अंदर यूज करें। अच्छे से मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों को और करीबन 1 से 2 मिनट तक इसे इसी तरीके से फ्राई होने देंगे। तो 1 से 2 मिनट के अंदर ये आलू लगभग हमारे 50% तक कुक हो जाते हैं। तो अब हम पैन को कवर कर देंगे और इसे 1 मिनट के लिए ढककर पकने देंगे ताकि आलू थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। तो 1 मिनट के बाद चेक करते हैं आलू को। आलू हल्के से हमारे सॉफ्ट हुए हैं अभी, तो आप ये देख सकते हैं इस तरीके से। अब इसी स्टेज पे हम इसमें कुछ ड्राई मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच लेंगे धनिया पाउडर, 1 चम्मच लेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लेंगे हल्दी पाउडर। ज़्यादा मसालों का हम इसके अंदर यूज नहीं करेंगे, तो कॉमन से हमने सिंपल ही मसालों का यूज किया है जो रेगुलर हम अपने खाने में यूज करते हैं। मसालों को सब्जी के साथ मिक्स कर देंगे, इस तरीके से सब्जी के अंदर कलर बहुत ही बढ़िया आता है। साथ ही साथ इसमें हम ऐड कर देंगे कटे हुए गाजर के पीसीस को और मिक्स कर देंगे अच्छे से सब्जी के अंदर। तो गाजर को मिक्स करने के बाद गाजर भी अपना पानी छोड़ेगी, तो बाकी के जो 50% आलू है हमारे वो गाजर के साथ पकेंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मटर को। मैंने यहाँ पे यूज किया है फ्रोजन मटर, तो इसे पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता इसलिए मैं इसे बाद में ऐड कर रही हूँ। और साथ ही साथ इसमें हम ऐड करेंगे 1 टमाटर, जिसको मैंने रफली सा चॉप करके लिया है। टमाटर को डालने के तुरंत बाद इसके अंदर जाएगा नमक। नमक मैंने यहाँ पर यूज किया है 1.5 चम्मच। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या फिर स्वाद अनुसार इसमें नमक भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर टमाटर का मॉइस्चर भी होगा और साथ ही साथ जो हमने इसके अंदर गाजर यूज किया है उसका भी अलग से मॉइस्चर होगा। बाकी के 50% जो आलू है हमारे इन सब्जियों के साथ पक जाएंगे। अब हम पैन को कवर कर देंगे
और करीबन 2 से 3 मिनट तक इसे ढककर पकने देंगे। तो 2 से 3 मिनट के बाद चेक करते हैं सब्जी को। तो ये देखिए सब्जी के अंदर सारा मॉइस्चर सूख चुका है। अब इसमें जाएगा लास्ट में गरम मसाला। मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच के करीब यूज किया है गरम मसाला, जो कि मैं बिल्कुल एंड में सब्जी के डालती हूँ। इससे सब्जी के अंदर बहुत ही ज़्यादा खुशबू और अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो इसे बिल्कुल एंडिंग में डालें आप। तो आलू को चेक करते हैं, आलू भी अच्छे से हमारे गल चुके हैं। ये देखिए एक बार इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे और इसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो एक बार इसे ट्राई ज़रूर करें, इस सब्जी को एंजॉय करें अपनी पूरी फैमिली के साथ। बिल्कुल एंड में हम डालेंगे धनिया पत्ती, जिससे कि सब्जी हमारी और भी हरी भरी दिखे और इसके टेस्ट को भी और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। मिक्स कर देंगे और सर्व करते हैं अब इस सब्जी को। गैस के फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। तो लीजिए तैयार है हमारी आलू गाजर मटर की ड्राई सब्जी। आप इस तरीके से एक बार बनाकर जरूर देखें, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इस सब्जी को आप लंच बॉक्स में ले जा सकते हैं, रोटी पराठे या फिर पूरी, सभी के साथ इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया जाता है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।